दोस्तों टाइटैनिक देखने गई टाइटन पनडुब्बी पर एक बड़ी खबर निकाल के सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि टाइटन पनडुब्बी डूब चुकी है और ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर ही विस्फोट हो गया है। अब अमेरिका ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिकी नौसेना ने माइक्रोफोन से कई दिन पहले ही टाइटन पनडुब्बी के विस्फोट का पता लगा लिया था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया है कि सबमरीन के लापता होने की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही नौसेना ने इस इलाके में किसी सिग्नल को खोजने के लिए एक टॉप सीक्रेट साउंड डिटेक्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया था और इस सिस्टम ने कई दिन पहले ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विस्फोट का पता लगाया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि उन्हें टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट की आवाज कई दिन पहले ही सुनाई दी थी, हालांकि वो बिना सबूत के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते थे। वहीं गुरुवार को टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से करीब 500 मीटर दूर मिला था। ये वही जगह था जहां पर अमेरिकी नौसेना ने विस्फोट की आवाज सुनी थी। अधिकारी ने बताया कि नौसेना ने यूएस कोस्ट गार्ड कमांड को इस विस्फोट की आवाज की सूचना दी थी। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना के इस सिस्टम का उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। अब जब इसने समुद्र से कुछ विस्फोट की आवाज सुना तो अमेरिका ने इस आवाज के डेटा का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। इस दौरान टाइटन पनडुब्बी के आसपास के क्षेत्र में विस्फोट के जैसे एक आवाज को सुना और पानी में कंपन को भी महसूस किया। हालांकि सिर्फ डेटा के आधार पर पनडुब्बी में विस्फोट की पुष्टि नहीं की जा सकती थी। ऐसे में ये जानकारी चल रहे खोज और बचाव अभियान में सहायता के लिए तुरंत इंसिडेंट कमांडर के साथ साझा की गई थी। अमेरिकी नौसेना ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत पनडुब्बियों की निगरानी के लिए भी इस तरह की निष्क्रिय सोनार प्रणाली का उपयोग किया था। इसे ध्वनि निगरानी प्रणाली के रूप में जाना जाता था। हालांकि तब से लेकर आज तक इस सिस्टम में कई बड़े अपडेट किए जा चुके हैं। ऐसे में ये सिस्टम अब पानी के भीतर हल्के से हल्के कंपन को भी महसूस कर सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम पानी के तापमान में अचानक आए बदलाव, पानी में ध्वनि की तरंगों को भी रिकॉर्ड कर सकता है। बाद में इसे मिले डेटा का विश्लेषण कर आवाज के प्रकार को जाना जा सकता है। ये एक डिफेंस सिस्टम है जिसे कई देशों की नौसेनाएं इस्तेमाल करती है। तो फिलहाल आपने देखा कि टाइटन पनडुब्बी के विस्फोट होने की जानकारी अमेरिका को पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी ठोस आधार के इसे सार्वजनिक करना ठीक नहीं समझा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।